हाय हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर क्लास 12 पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 डिफरेंशिएशन। इसमें से एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास वी हैव 5 एग्जांपल्स, हम हर एक एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं। एक बार क्वेश्चन अगर ध्यान से देंगे तो हमें कहा गया है डेरिवेटिव निकालना है इनवर्स फंक्शन का, तो इसका मेथड देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे y = x² e^x, इसे डिफरेंशिएट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y जो है ये इसे हम लिखेंगे dy/dx, और राइट हैंड साइड में दो फंक्शंस है प्रोडक्ट में है, तो यहां पर हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या होता है प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन? तो फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन, कौन सा सेकेंड फंक्शन है हमारा e^x, देन सेकेंड फंक्शन जो रहेगा उसका अब हम एज इट इज लिखेंगे, और रहेगा डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन दैट इज x². ओके, अब x² एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ e^x, e^x ही है, तो हमने यहां पर लिख लिया है e^x प्लस अगेन e^x एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ x² जो है वो हमारा फॉर्मूला x^n का डेरिवेटिव जो है n(x^n-1) इस फॉर्मूला को यूज करके हमें मिलेगा (2x). ओके, अब दोनों जो हमारे पास टर्म्स है इसमें e^x कॉमन है, तो हम e^x कॉमन निकालेंगे तो हमें मिलेगा x² + 2x, ये हमने वैल्यू निकाल लिया है dy/dx। लेकिन हमें जो डेरिवेटिव निकालना है वो इनवर्स फंक्शन का निकालना है, तो इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? Therefore, derivative of its inverse function is, इसे हम लिखेंगे dx upon dy, ये जो है ये हमारा हो जाएगा derivative of the inverse function, और इसे हम लिखेंगे is equal to 1 upon dy/dx, and this is equal to 1 upon dy/dx की वैल्यू जो है हम इसको इक्वेशन 1 दे देंगे, इक्वेशन 1 से एज इट इज लिख लेना है e^x (x²) + 2x, ये आया कहां से? तो 1 से। तो इसी तरह से हम बाकी एग्जांपल्स भी सॉल्व करने वाले हैं। हम इसके अगर स्टेप्स में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जो गिवन इक्वेशन है उसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, गिवन जो भी फंक्शन है उसे डिफरेंशिएट करेंगे। राइट हैंड साइड में x ही है तो डिफरेंशिएट किया हमने विद रिस्पेक्ट टू x, और डिफरेंशिएट करके हम वैल्यू निकाल देंगे dy/dx की, ये हमारा स्टेप नंबर 1 रहेगा। स्टेप नंबर 2 में हमें डेफिनेशन लिखनी है, कौन सी वाली डेफिनेशन? ये वाली डेफिनेशन dx/dy = 1 upon dy/dx, और ये जो हमने dy/dx की वैल्यू निकाल दी है उसे जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो अब ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसी तरह से हम सेकेंड क्वेश्चन भी करेंगे, और सेकेंड क्वेश्चन जो हमें दिया है वो है y = x into cos x, तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं y = x cos x। ओके, जैसा आप देख रहे हैं y = x cos x, अगेन यहां पर भी राइट हैंड साइड में दो फंक्शन है हमारे हाथ में, एक x और दूसरा cos x, और दोनों जो है वो प्रोडक्ट में है, इसका मतलब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से प्रोडक्ट रूल लगने वाला है, तो लिखेंगे हम यहां पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट y बन जाएगा हमारा dy/dx, और प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकेंड फंक्शन। प्रोडक्ट रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन को जैसा का वैसा लिखिए और फिर बाद में डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन निकाल लो। ये हो जाने के बाद आप सेकेंड फंक्शन को जैसा का वैसा लिखिए और डेरिवेटिव ले लीजिए फर्स्ट फंक्शन का, तो यहां हमें मिलेगा x, cos x का डेरिवेटिव होता है -sin x, अगेन cos x एज इट इज लिख लेंगे, और x का डेरिवेटिव x के साथ जो है वो 1 बनता है, तो हमें मिलेगा यहां पर -x sin x + cos x, ये हो गया डेरिवेटिव।
ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, इसको हमने इक्वेशन वन दे दिया। अब क्या करेंगे हम डेफिनेशन के हिसाब से, देयरफॉर बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव, द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन इज डी एक्स अपॉन डी वाई विल बी इक्वल्स टू वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। और ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने निकाल के रखी इक्वेशन वन में, जो भी है उसे पुट कर देना है। सो वन अपॉन माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके तो अगेन हमने इसे भी हमने दो स्टेप में किया। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हमें dy by dx निकाल देना है और फिर डेफिनेशन लिखेंगे dx upon dy will be equals to 1 upon dy by dx। ओके चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, x into 7 to the power x, थर्ड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है x into 7 to the power x। तो चलिए हम थर्ड क्वेश्चन अभी करने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन रहेगा y equals to x into 7 to the power x। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलने वाला है हमें dy by dx ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन 7 टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होने वाला है 7 टू द पावर x इंटू log ऑफ 7, 7 टू द पावर x इंटू log ऑफ 7। ये कहां से आया, तो हमारे पास डेरिवेटिव है किसका, तो a टू द पावर x का। क्या कहता है a टू द पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है, a टू द पावर x इंटू log ऑफ a। अब इसमें a की जगह कितना पुट करना है 7, तो हमें मिलेगा 7 टू द पावर x log ऑफ 7, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव सेकेंड हो गया प्लस सेकेंड जो है उसको एज इट इज लिखेंगे और फिर ले लेंगे हम डेरिवेटिव, किस चीज का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन विच इज x। अब इसे विदाउट ब्रैकेट लिख लेंगे तो आपको मिलेगा log x log 7 into 7 to the power x plus 7 to the power x, डेरिवेटिव ऑफ x जो है वो 1 ही रहेगा। ओके तो इसका मतलब हमें मिलने वाला है x log 7 into 7 to the power x plus 7 to the power x, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, दोनों टर्म्स में जो x टू द पावर 7 है ये कॉमन है, यहां पर भी x टू द पावर 7 है कॉमन निकाल लीजिए, x टू द पावर 7 अगर कॉमन निकल जाए तो फर्स्ट टर्म में क्या मिलेगा आपको x log 7 और इधर में क्या मिलेगा आपको ओनली 1। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप हो गया है, इसमें हमने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली। देयरफॉर बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन इज डी एक्स अपॉन डी वाई विल बी इक्वल्स टू वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू वन अपॉन, जो भी हमने इक्वेशन वन में वैल्यू निकाल के रखी है पुट कर देना है एक्स टू द पावर सेवन एक्स लॉग सेवन प्लस वन एंड दिस इज आवर फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। ओके डन, चलिए अब हम बढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर फोर की तरफ। तो फोर्थ क्या है पढ़िए उसको, फोर्थ वाला क्वेश्चन एक्स स्क्वेयर प्लस लॉग एक्स। अगेन ये तो आसान है, आसान क्यों हमने कहा, क्योंकि यहां पर प्रोडक्ट रूल नहीं लगने वाला, दो सेपरेट टर्म्स है, ये इसका डेरिवेटिव ज्यादा आसान आएगा, तो एक्स स्क्वेयर प्लस लॉग एक्स। चलिए इसको स्टेप नंबर वन में डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलने वाला है हमें dy by dx equals to x square का जो डेरिवेटिव है वो 2x होता है और log x का डेरिवेटिव होता है 1 by x। अब इसे सिंप्लीफाई और करने की जरूरत ही नहीं है, हम इसे थोड़ा सा एक स्टेप कर ही लेते हैं, नहीं किया तो भी चलेगा बट स्टिल एक स्टेप कर लेते हैं। तो ये जो x 2x के साथ मल्टीप्लाई होकर बनेगा 2x square प्लस वन और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा x और इसी को मैं यहां पर इक्वेशन वन दे देता हूं। ओके देयरफॉर बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन इज डी सॉरी यहां पर आएगा हमें डेरिवेटिव डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू वन अपॉन dy by dx and this is equal to 1 upon जो भी वैल्यू आई है पुट कर देंगे 2x square
प्लस वन अपॉन एक्स, ऑब्वियसली ये जो x है वो ऊपर चला जाएगा और हमें डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, x ऊपर चला जाएगा x अपॉन टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर. ओके सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, आपको एक ही स्टेप को बार बार रिपीट करना है. सबसे पहले हम डेरिवेटिव निकालेंगे y का विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब dy by dx, और सेकेंड स्टेप में उसी का रेसिप्रोकल दे लेना है dy by dx का. तो रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन dy by dx, इसी को हम क्या लिखते हैं dx अपॉन dy, और यही हमारा आंसर रहेगा. तो डेरिवेटिव ले लीजिए, उसका इनवर्स कर दीजिए, आपको आंसर मिलेगा. राइट, आप देख सकते हैं इधर में 2x square plus 1 upon x, यही हमारा फाइनल आंसर क्या है, x upon 2x square plus 1. सो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमें डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन मिल जाएगा. ये एक तरीका है, और भी बहुत सारे तरीके हैं. अब इसके बाद हम स्टैंडर्ड फंक्शंस पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके तो एक और हमारा एग्जांपल बचा है, इसे भी हम कर लेते हैं. वी कैन वी डू इट हियर, नो लेट अस डू हियर ओनली. क्या दिया है, y equals to x into log x. So this is our next function and this is example number 5. Right? y equals to x log x. Let us differentiate it. So we are having dy by dx is equal to, first function is x, derivative of log x will be equals to 1 by x, first into derivative of second, plus second function which is log x will keep it as it is, and derivative of x will be equals to 1. Now this xx get cancelled, what is left is 1 here, log x into 1 will become log x, so this is nothing but the dy by dx, will just give it equation number 1, right? Now, by definition, what we will have is, by definition, the derivative, of inverse function is dx upon dy will be equals to 1 upon dy by dx, and this is equal to 1 upon 1 plus log x. That is, dx upon dy will be equals to 1 upon 1 plus log x. This is our final answer. So, इसके साथ हमारा ये जो question number 2 है वो finish हो गया. अब हम करने वाले हैं question number 3. उसमें question number 3 में एक ही step हमें additional करना है, बाकी पूरा repeat होने वाला है. ठीक है, तो वो देखते हैं कि next वाला क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं. ओके नाउ वी आर रेडी विद द थर्ड क्वेश्चन. पहले पढ़ लेते क्या चेंज है इसमें. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. ये तो हमने सेकंड एग्जांपल में भी किया था, सेम क्वेश्चन था. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, राइट, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, सेम क्वेश्चन. एडिशनली क्या दिया है यहां पर, एंड ऑल्सो फाइंड देयर वैल्यू. किसकी वैल्यू, डेरिवेटिव्स की वैल्यू. हमने डेरिवेटिव निकालना है, उसके बाद उन डेरिवेटिव्स की वैल्यू निकालना है एट द पॉइंट्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम. जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल देखिए, मैं यहां सेपरेटली लिखता हूं, और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसे हम सॉल्व करने वाले. y equals to x to the power 5 plus 2x cube plus 3x, और ओके एट x equals to 1. सॉल्व करते हैं, साथ में समझते भी है. चलिए स्टार्ट करेंगे. बहुत सारा प्रोसेस जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के तरह ही है. इसका मतलब पहले तो हम इसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो भैया ये जो है वो बन जाएगा dy by dx. x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव होता है 5 इंटू x टू द पावर 4. यहां पर 2 जो है उसका तो डेरिवेटिव लेना ही नहीं है, डेरिवेटिव लेना है x क्यूब का. 2 बाहर निकल जाएगा, x क्यूब का डेरिवेटिव रहेगा 3x स्क्वायर. सेम चीज यहां पर भी 3 बाहर निकल जाएगा और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1. तो हमें मिला क्या, 5x टू द पावर 4 प्लस 2 3 जा 6, 6x स्क्वायर प्लस 3. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. ये वैल्यू हो गई dy by dx की, राइट. अब क्या करने वाले हैं, नाउ विल फाइंड आउट. देयरफॉर बाय डेफिनेशन द इनवर्स ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स, सॉरी द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स इज, द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स इज क्या रहेगा, dx अपॉन dy विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन dy by dx,
ये वैल्यू इसमें ही पुट कर देना है, तो 1/5x^4 +6x² + 3, राइट। ये तो हमने पूरा जो है क्वेश्चन नंबर 2 जिस तरह से सॉल्व किया बिल्कुल वैसे ही किया, कुछ चेंज नहीं हुआ। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, तो यहां पर देखो x = 1 है, मतलब हमें इसकी वैल्यू निकालना है व्हेन x = 1। तो इसको लिखने का बड़ा आसान तरीका है, देयरफॉर dx/dy, इसको ऐसे लाइन बनाइए और यहां लिख लेंगे x = 1। इसको पढ़ेंगे ऐसा डेरिवेटिव या dx/dy at x = 1, इसको आप फिर से यही चीज कर सकते हैं, 1/dy/dx again at x = 1। अब आइदर ये या ये दोनों में से एक चीज कुछ यूज कर सकते हैं, और इसमें अब हम पुट कर देंगे x के जगह पे 1, तो 5 × 1^4 +6 × 1² + 3, तो 1^4 = 1, तो 5 + 6 = 3 = 11, 11 + 3 = 14। इसका मतलब हमारे dx/dy की वैल्यू एट x = 1 आती है 1/14, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो वेरी सिंपल है ना, ये बन जाएगा आपका 1/14। ओके, नाउ लेट अस डू द सेकंड एग्जांपल, लेट अस डू द सेकंड एग्जांपल। क्या दिया है सेकंड एग्जांपल, e^(x+3x+2)y = e^(x). लेट मी राइट इट, सेकंड एग्जांपल y = e^(x+3x+2), और इसे निकालना है एट x = 0 पर। ओके, चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। सो dy/dx = e^(x) का डेरिवेटिव होता है खुद ही, तो e^(x) ही आएगा। 3 जो है उसका डेरिवेटिव निकालना ही है, x का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0। इसका मतलब dy/dx बन जाएगा e^(x+3), इसको देंगे हम इक्वेशन 1, और अब निकालेंगे देयरफॉर बाय डेफिनेशन dx/dy क्या होने वाला है, तो हो जाएगा 1/dy/dx, तो 1/e^(x+3), डन। अब हमें क्या करना है, देयरफॉर dx/dy at x = 0 कितना है, तो x के जगह 0 पुट कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 1/e^(0+3, बट वी नो, व्हाट डू वी नो, कि e^(0) कितना होता है, 1 होता है। यस, इसीलिए e^(0) 1, तो ये हो जाएगा 1/1+3, मतलब आंसर आ जाएगा 1/4। ओके, तो इस तरह से हमने सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड वाला भी कर लिया, थर्ड और फोर्थ ऑलमोस्ट सिमिलर, बिल्कुल सेम चीज करना है आपको। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू।